हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ फर्स्ट T20I ऑफ आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ये मैच 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से 14th को खेला जाएगा। सो इस मैच ये मैच आप फैन कोर्ट पे भी देख सकते हैं। ये डब्लिन में मैच होने वाला है। सो उससे पहले बात करते हैं कि आयरलैंड, जो कि हम कह सकते हैं कि अंकित बहुत एक इंटरेस्टिंग उन्होंने इस समय क्रिकेट शो किया है पिछले एक महीने में। जो ODIs में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि उन्होंने पहले श्रीलंका के खिलाफ वहां 2-1 से वो सीरीज जीती थी। ICC की चैंपियनशिप की जो हम बात करते हैं जिसपे वो लास्ट थे, जहां पे उनको कोई विक्ट्रीज नहीं मिल रही थी, पर उन्होंने श्रीलंका जैसी टीम को अपसेट किया एंड 2-1 से उन्होंने उनको हराया। देन उन्होंने अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा। डेफिनेटली इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें पहले 2 मैचेस में बहुत मुश्किलें हुई थी। इवन दूसरे मैच में तो हम कह सकते हैं कि जो उनका लोएस्ट इनिंग्स टोटल था इन चेजिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, वो उन्होंने वहां पे उनका वो रजिस्टर हुआ था। बट जो कमबैक हुआ है थर्ड ODI में, वो वहां पे 3 विकेट की जो विक्ट्री, लास्ट बॉल फिनिश जो 4 की हुई है, वो काफी अच्छा था। तो उस बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इंग्लैंड का हम देख सकते हैं कि बैटिंग उन्होंने पहले करी थी, जिसमें तामी ब्यूमॉन्ट इकलौते थे जिन्होंने 52 रन्स एक अच्छी पारी खेली। बाकी सबको थोड़ा सा डिफिकल्टीज हुई थी वहां पे साझेदारियां बनाने में। एंड इवन मैं कहूंगी जो फाइफर आया था एमी मैग्वायर की वजह से, ग्रेन कर्टेल मैच में उन्होंने सिर्फ मात्र 3.5 ओवर्स में फाइफर लिया था सिर्फ 19 रन देके, वो डेफिनेटली गेम चेंजर हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से आया था। देन कंटिन्यू अगर हम की बैटिंग से करें आयरलैंड की, तो कप्तान गेबी लुइस 72 रन उन्होंने बनाए थे। बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली थी जहां पे लॉरेन फाइलर ने उनको आउट किया था। पर कंटिन्यूइंग टू दैट, अगर हम देखें कि थोड़ा फिर वहां पे यू नो डिफिकल्टी होने लगी थी। लास्ट के जो ओवर्स थे उसमें रन्स कम बचे थे एंड इवन उनको प्रेशर होने लग गया था कि क्या लास्ट में क्या होगा। इवन मैडी विलियर्स का अगर मैं लास्ट ओवर बोलूं आपको, सो उसमें हमने देखा कि जो सेकेंड बॉल थी वहां पे एक रन आउट हुआ, फिर उसके बाद लगातार 2 विकेट उन्होंने लिए। उन्होंने टेकर एंड मैग्वायर, जेन मैग्वायर दोनों को आउट किया। लास्ट बॉल पे वो जो 4 आया है, वो हम कह सकते हैं कि वो वहां पे मैच विनिंग जो सिचुएशन वहां पे बनी, सो वो बनी थी। तो मैं अंकित आपसे जानना चाहती हूँ कि इंग्लैंड आयरलैंड का जो हमने परफॉर्मेंस देखा, श्रीलंका का अपसेट, फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो मात्र 2 विन्स आई हैं उनको अपने पूरे क्रिकेटिंग लाइफ में, उसमें उनको दूसरी विन अभी मिली थी वो भी 23 साल बाद। पिछली बार 2001 में मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ और आज 2024 में उनको मिली है। सो ये 23 साल के बाद जो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ विक्ट्री मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक एक नेल बाइटिंग मैच था जिसमें आयरलैंड ने सही मायनों में आई थिंक दे हेल्ड देयर नोज टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज आखिरी बॉल में 4 रन बनाना था उनको एंड वहां पे उन्होंने वो जो बाउंड्री आई, आई थिंक तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन थ्रू आउट द मैच काफी अच्छा क्रिकेट खेला, बिकॉज आई थिंक एक छोटे से मैच में आसान नहीं होता, स्पेशली अगर आप गेंदबाजी पहले कर रहे हो। एंड वहाँ पे इंग्लैंड को बहुत सारे रन्स नहीं बना के देना, 100-150 के करीब ऑल आउट करवाना, आई थिंक वहाँ पे क्रेडिट जाता है। एंड बाद में जब बैटिंग करने, आई थिंक गेबी लुइस की तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज इस सीरीज में थोड़ा स्ट्रगल किया था खास करके पहले 2 मैचेस में, लेकिन थोड़ा ऐसा लगा कि रिदम उनको मिला आखिरी मैच में। एंड वो जो उनकी साझेदारी थी लिया पॉल के साथ, आई थिंक दैट मेड द थिंग्स क्वाइट इजियर। एंड ऑब्वियसली बैक एंड में थोड़ा सा इंग्लैंड ने वापसी किया था उस मैच में, लेकिन काफी हद तक आयरलैंड ने आई थिंक आखिरी गेंद पे वो जो बाउंड्री मार के मैच जीता। एंड आई थिंक दे विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज काफी हद तक एक सिमिलर T20 जैसा ही मैच था वो, 20-22 ओवर्स दोनों टीम्स ने खेले हैं, अभी 2 मैच की T20 सीरीज है। सो एंड आई थिंक वन मोर थिंग अबाउट आयरलैंड इज की अब एक आदत बना रही है कि जो भी बड़े नेशन है उनको हराने के, जैसे आपने इंग्लैंड की बात करी थी, इसके पहले श्रीलंका को मात दी थी, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, साउथ अफ्रीका को। सो आई थिंक दे आर, आई थिंक आयरलैंड इज वन ऑफ दोज नेशन आई थिंक जिन्होंने बड़े नेशन को आई थिंक फ्रिक्वेंटली हराने की काबिलियत आयरलैंड जैसे देश के पास है। या एक बहुत अच्छा प्रदर्शन आया था इंग्लैंड आयरलैंड की टीम की तरफ से। इवन डैलजेल का जो हम कह सकते हैं जो लास्ट में आप न्यू बैटर आते हो, देन आप वो 4-1 मार के वहां पे जो बाउंड्री है, होली आर्मिटेज ने ट्राई किया था कि वो बाउंड्री रोके, पर वो वहां पे उनसे मिसफील हम कह सकते हैं, या फिर बॉल टर्न हो गई एट दी एंड वहां बाउंड्री पे, सो इस वजह से वो बाउंड्री गए एंड आयरलैंड को वो विक्ट्री। सो वो बहुत एक यू नो एक नेल बाइटिंग फिनिश, अंकित आप रेगुलरली उस वर्ड का यूज करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो देखने को मिला था, मैं विजुअल्स वो वहां पे थे। सो उसके बाद अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज टैमी ब्यूमॉन्ट को मिला था, उन्होंने 212 रन्स बनाए थे इस पूरी सीरीज में। शुरुआत भले अच्छी नहीं हुई थी, पर उसके बाद जो 150 अनबीटन जो वहां पे आया था सेकेंड मैच में, वहीं से मैं कह सकती हूँ एक उनका फ्लो बना होगा। सो नाउ कमिंग टू की
आयरलैंड की जहां तक बात है कि इवन जो टॉप टीम्स की हम बात कर रहे हैं उसमें आयरलैंड क्वालिफाई नहीं हुआ था T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने, पर वो टॉप टीम्स को बीट कर रहा है. सो वो एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे आप देख सकते हो श्रीलंका को उन्होंने दो बार हराया और इंग्लैंड को उन्होंने हराया अभी. सो वो टॉप टीम्स जो हम दो बात करते हैं जो इवन T20 वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे, इवन श्रीलंका की जहां तक बात है तो वो क्वालिफायर्स का भी हिस्सा थे. सो उनको हरा के वो T20 वर्ल्ड कप में यू नो 10 विंस की जो स्ट्रीक थी वो उनकी वहां पे ब्रेक हुई थी. स्कॉटलैंड ने वहां पे वो कह सकते हैं कैथरीन ब्राइस का शायद दिन था एंड वहां पे वो उन्होंने ज्यादा परफॉर्म अच्छा किया एंड वहां पे आयरलैंड हार गया था. पर मे बी वो सेटबैक शायद इसीलिए आया था ताकि आयरलैंड में भी बेटर ग्रो कर सके, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड को हराया, इवन उनको तब हराया जब उन्होंने लीस्ट टोटल बनाया था. उसके बाद भी जहाँ उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गया था, पूरा डिसमेंटल हो गया था, उसके बाद दे रजिस्टर अ विन अगेंस्ट इंग्लैंड वुमेन. वो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, इवन फॉर अ रेन कर्टेल मैच जहाँ पे हम जानते कि ओवर्स कम है, प्रेशर सिचुएशन ज्यादा बनती है, तो वहां पे ये चीज हुई थी. एंड वो एमी मैग्वायर का जो फाइफर आया था वो डेफिनेटली काफी बूस्ट अप हो गया होगा आयरलैंड की कंबाइंड परफॉर्मेंस से. सो अभी तो हमने बहुत उनके बारे में डिस्कस किया, एक बार बात करते हैं कि जो इंग्लैंड की कैप्टन है केट क्रॉस, उनके परफॉर्मेंस के बारे में कि हम देख रहे थे थोड़ा बोलिंग वो अपने आप को एंड में उन्होंने नहीं दिया था. उस बारे में कमेंटेटर्स भी डिबेट कर रहे थे कि उन्होंने खुद के ओवर्स बचे होने के बावजूद उन्होंने मैडी विलियर्स को विकेट दिया, उन्होंने ओवर दिया था कि वो बोल करें. सो वहां पे वो चेंजेस, क्योंकि आप देखते हो कि केट क्रॉस का डेफिनेटली बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पर अगर अब हम T20 आईज की बात करें सो उनके परफॉर्मेंस के बारे में अंकित आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक इस फॉर्मेट में काफ़ी कम मैचेस खेले केट क्रॉस थे, लेकिन अगर हम ये सीरीज देखें खास करके जो वनडे सीरीज थी वहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉर्म था. एंड आई थिंक थोड़ा इजी होगा बिकॉज एक सीनियर प्लेयर है काफ़ी हद तक. अभी अगर हम बॉलिंग ग्रुप देखें इंग्लैंड का, आई वुड से कि वनडे सीरीज में तो भी उनके पास ऑप्शन थे, लेकिन इस सीरीज में शायद कंपेरेटिवली थोड़े कम ऑप्शन है. सो उस लिहाज से सीनियर रोल बनता है, लेकिन आई थिंक इट इज़ प्रेटी मच कि जो आप वनडे फॉर्मेट में करते हो T20s में बहुत अलग नहीं करना होता. आई थिंक स्पेशली पावर प्ले में हो सकता है कि केट क्रॉस के जो पहले 2-3 ओवर हो सकते हैं वो काफी क्रूशल होंगे, बिकॉज आई थिंक एक आयरलैंड का एक इनएक्सपीरियंस ग्रुप है एंड काफी हद तक टॉप ऑर्डर पे निर्भरता करती है, लाइक्स ऑफ एमी हंटर और ला या फिर गेबी लुइस. तो अगर केट क्रॉस वहां पे 2-3 अर्ली विकेट छटका पाती है तो आई थिंक काफी इजी हो जाएगा, बिकॉज बाकी जो मिडल ऑर्डर है थोड़ा सा अनसेटल्ड है एंड काफी हद तक यंग है, जो हमने देखा कि दूसरे वनडे में भी एक्सप्लोर हुआ था जैसे जितने जल्दी टॉप ऑर्डर आउट हुआ था. तो उस लिहाज से केट क्रॉस का काफी क्रूशल रोल वहां रहेगा. अगर अर्ली विकेट्स वो चटका देती है तो आई थिंक दैट कैन मेक द जॉब इजियर फॉर द इंग्लिश बॉलिंग यूनिट, क्योंकि इंग्लैंड का भी काफी हद तक यंग यूनिट है, इसलिए केट क्रॉस का उस लिहाज से एक क्रूशल रोल रहेगा. या केट क्रॉस का परफॉर्मेंस हमने देखा, एक 6-4 आया था स्टार्टिंग में ही ओडीआई के मैच में, एक अच्छा परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइड बॉल के साथ काफी एक अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. बट जहां तक बात है उनकी T20 है इसकी, तो लास्ट T20 है उन्होंने 2023 में खेला था श्रीलंका के खिलाफ जो सेप्टेम्बर में उन्होंने खेला था, उसके बाद से वो अभी तक T20 आईज में उन्हें मौका नहीं मिला है. सो वो शायद एक मे बी हो सकता है कि आप अभी टच में नहीं हो, क्योंकि डेफिनेटली वाइड बॉल है, पर यू नो वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट बनता है कि आपका 20 ओवर्स का मैच है एंड 50 ओवर्स का मैच है, तो वो काफी एक चेंजिंग पॉइंट वहाँ पे बन सकता है कि केट क्रॉस अभी कैसे परफॉर्म करते हैं. सो अभी तो हमने केट क्रॉस इंग्लैंड कैप्टन की बात करी. सो अब बात करते हैं आयरलैंड की जो एक हम कह सकते हैं बहुत अच्छी ऑलराउंडर है ऑर्रा पेंडरगास्ट, जिन्होंने अभी तक बहुत काफी अच्छा इंटेंट शो किया है. उन्होंने ओडीआईस में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया था, पर अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, सो वहां पे उनका T20 आईज में बहुत अच्छा प्रदर्शन आया था, जिसमें आप देख सकते हो कि बैटिंग स्टैट्स में अगर 52 इनिंग्स हैं सो उनके 1000 के प्लस रन हैं, प्लस 13 इनिंग्स में 358 रन उन्होंने बनाए हैं. सो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस आया है पेंडरगास्ट की तरफ से. प्लस बॉलिंग में भी आप देख सकते हो कि 42 इनिंग्स में 31 विकेट्स ओवरऑल है, पर अगर 2024 का उनका परफॉर्मेंस देखे कि उनका कैसा उन्होंने अभी तक बॉल किया है, सो 7 इनिंग्स में 9 विकेट्स आए हैं. सो उस हिसाब से एक अच्छा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑर्रा पेंडरगास्ट एज दी ऑलराउंडर की तरफ से. सो अंकित मैं आपसे उनके बारे में व्यूज पूछना चाहती हूँ.
आई थिंक ये साल काफी अच्छा गया बिकॉज बल्लेबाजी में भी रन आए थे, खास करके वो जो वनडे सीरीज थी। एंड इवन टी ट्वेंटी में अगर हम आंकड़े देखें तो आई थिंक ओरला शायद सारे चार ओवर्स नहीं डालती, लेकिन दो से तीन ओवर अगर आप एक मैच में डाल रहे हो, और अगर इस साल की इकोनॉमी और एवरेज की बात करें तो काफी डिसेंट है, खास करके अगर बिलो सेवन है आई थिंक इट इज वेरी गुड, बिकॉज आज हमने देखा लाइक द इवोल्यूशन टी ट्वेंटी क्रिकेट में जो हो रहा है, आई थिंक टू कंसिड लेस देन सेवन ओवर आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। एंड इवन औसत तो हर तीसरे ओवर में आई थिंक उनके पास वो काबिलियत है कि विकेट लेती है, लेकिन अभी तक ये सीरीज उनके लिए काफी साधारण रहा है, इसलिए ये जो दो मैचेस है ये काफी क्रूशल रहेंगे, बिकॉज आयरलैंड की काफी यंग यूनिट है, लेकिन हमने देखा है कि ये द लाइक्स ऑफ ओरला या फिर इवन गेबी लुइस आई थिंक उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले कुछ टाइम से, तो एक अच्छी सीरीज की हम उम्मीद कर सकते हैं खास करके ओरला से, बोथ विद द बैट एंड गेंदबाजी के साथ। या सो आई डेफिनेटली एग्री अंकित आपके पॉइंट से। सो दिस वॉज दी लाइक जो प्लेयर्स हमने जो डिस्कस किए जो नेक्स्ट मैच में यू नो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जिनसे ज़्यादा उम्मीद हो सकती है कि केट क्रॉस एंड ओला पेंडरकास्ट परफॉर्म करेंगे। सो अब बात करते हैं हमारी फैंटेसी इलेवन टीम के बारे में ऑफ द फर्स्ट टी ट्वेंटी आई। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें इस फर्स्ट टी ट्वेंटी आई के लिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, जहाँ पे हमने टैमी को लिया एंड हमारे टीम की वाइस कैप्टन है, इंग्लैंड के बैटिंग यूनिट में काफ़ी सीनियर प्लेयर है। एंड अगर हम देखें तो जिस तरीके का उनका करंट फॉर्म चल रहा है, पिछले मैच में भी हमने देखा वो जो अर्शद तक आया था काफ़ी टी ट्वेंटी जैसा फॉर्मेट था एंड वहाँ पे एक काफ़ी क्रूशल इनिंग्स थी एंड हाली फॉर्म काफ़ी उनका बेहतर है। एमी हंटर एक काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर रही है आयरलैंड के लिए एंड अगर हम आयरलैंड का भी बैटिंग यूनिट देखें तो एक क्रूशल प्लेयर मानी जाती है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करती है एंड ऑब्वियसली एज अ विकेट कीपर भी आपको वो क्रूशल पॉइंट्स दे सकती है। बैटर्स की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे गेबी लुइस, इस फॉर्मेट में अगर हम याद करें तो उनका एक शतक आया था श्रीलंका के खिलाफ एंड इवन पिछले मैच में उन्होंने अपना थोड़ा सा रिदम प्राप्त किया है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब वो कैरी करेंगी ये फॉर्म जो दो टी ट्वेंटी है, इसी के चलते हमने उनको इस टीम में उनका हमने निवेश किया है। स्कोलफील्ड हालांकि अगर हम देखें तो 100 के चलते उनका इस स्क्वाड में इस 11 में हमने उनको सिलेक्ट किया, काफ़ी अच्छा फॉर्म उन्होंने 100 में दिखाया था एंड इवन ये जो वनडे सीरीज थी एक दो इनिंग्स ऐसी थी जहाँ पे काफ़ी कंट्रोल लगी है स्कोलफील्ड। ऑलराउंडर्स की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे ओरला को हमने कप्तान रखा है, दोनों डिपार्टमेंट्स में योगदान कर सकती है खास करके एंड टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी करती है, इसका मतलब फ्रॉम द बैटिंग यूनिट बड़े रन बनाने की उनके पास वो काबिलियत है। हमने इंग्लिश ऑलराउंडर को एक सिलेक्ट किया जो जॉर्जिया एडम्स है, 100 पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था एंड एज अ डिफरेंशिएटर वो भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है अगर हम वाइस कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एलन केरी गेंदबाजी जो आयरलैंड की एक फास्ट बॉलर है एंड इवन लोअर डाउन द ऑर्डर आपको बल्लेबाजी के साथ क्रूशल पॉइंट्स दे सकती है, हो सकता है टी ट्वेंटी फॉर्मेट है तो थोड़ा और ऊपर हमें बैटिंग करते हुए दिख सकती है। मैडी विलियर्स एक और प्लेयर एक काफ़ी क्रूशल ऑलराउंडर बोल सकते हैं एंड हो सकता है कि सारे चार ओवर्स डाले एंड इवन आपको बल्लेबाजी के साथ लोअर डाउन द ऑर्डर पॉइंट्स दे सकती है। बॉलर्स की तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे हमने दो इंग्लिश पेसर्स को सिलेक्ट किया, केट क्रॉस जो इंग्लैंड की कप्तान है और इजी यॉन्ग एंड आखिरी जो आयरलैंड की स्पिनर है एमी मैकवायर, जिन्होंने पिछले मैच में फाइफर दिया था, जो आयरलैंड की स्पिनर है वो 31 आयरलैंड की बॉलर है स्क्वाड। सो दिस वाज आवर फैंटेसी 11 टीम ऑफ फर्स्ट टी20 ऑफ आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी और भी वीडियोस हैं, प्लीज उनको भी चेकआउट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस।